स्वागत है आपका टेक ब्रेक के एक नए एपिसोड में। तो जैसा कि हमें पता है कि आज ऑनर ने अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करे हैं, ऑनर 9A और ऑनर 9S। और दोनों ही बजट फोन है, तो आज हम करेंगे ऑनर 9A का रिव्यू और जानेंगे उसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं, लेट्स रोल। तो गाइस, ओनर ने आज अपना बजट स्मार्टफोन ओनर 9A फाइनली मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो इसके रिव्यू करने से पहले हम देखते हैं इसके बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो वासिफ, इसके बॉक्स में हमें वही जनरल चीज़ें देखने को मिलती है जो हर स्मार्टफोन के बॉक्स में मिलती हैं, एक चार्जिंग केबल, चार्जिंग ब्रिक और TPU केस। TPU केस की क्वालिटी वैसे बढ़िया है इसकी। और सुल्तान, ईयरफोन? यार ईयरफोन कहाँ आजकल स्मार्टफोन, कहाँ ईयरफोन देते हैं। ये तो क्या आपको चाहिए तो आपने खरीद सकते हो, अपना खरीद लो, क्योंकि ईयरफोन की बहुत सारी क्वालिटीज़ है ना मार्केट में, तो अपने हिसाब से खरीद लो। और दूसरी बात ये कि इसका रिव्यू जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम इसका रिव्यू शुरू करें उस चीज़ से जिसने मेरे को बहुत अट्रैक्ट करा, मतलब सबसे पहली चीज़ जिस इस फोन ने जो अपनी तरफ मुझे अट्रैक्ट करा। तो उसके इस... काफ़ी फीचर और डिज़ाइन वगैरह सब कुछ ऐसा है, काफ़ी फीचर है और जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। इसका डिज़ाइन ने मुझे बहुत अट्रैक्ट करा यार, इसका कलरफुल डिज़ाइन तो सच में काफ़ी बढ़िया है इसका। इसका जो बॉडी मटेरियल है वो पूरा प्लास्टिक है और इसके में लेकिन लगता नहीं है प्लास्टिक। अरे भाई तूने बता रहा प्लास्टिक है, पीछे तो बिल्कुल इसी, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि ग्लास नहीं है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ग्लास जैसा लगता है। और इसका जो पीछे बैक पैनल पे डिजाइन है वो कलरफुल पिक्सलेट का डिजाइन है जो कि मुझे तो काफी अट्रैक्ट करता है। भाई तुझे क्या, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मुझे भी करता है और बाकियों को भी करेगा जो भी खरीदे, भाई बढ़िया डील है डिजाइन के लिए। अभी हम बाकी धीरे धीरे, लेकिन सुल्तान इसके जो डिस्प्ले है वो भी काफी ब्राइट और बड़ी है। भाई डिस्प्ले ब्राइट भी है, बड़ी भी है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बहुत तगड़ा है। और कैमरा भी साइड में दे दिया है, सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है। और सेल्फी कैमरे की अगर बात करूँ कि हम, भाई देखो सेल्फी कैमरा कैसे चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, हम टेक्निकल की 2-4 फोटो लेते हैं। हाँ। और अगर वो अच्छी आई तो हम कह देते हैं हाँ ठीक है भाई सेल्फी कैमरा, मतलब अगर हमें ब्यूटी प्लस करने की जरूरत नहीं हुई अगर तो ये फोन सच में कैमरा अच्छा है, कैमरा बढ़िया है, काम कर रहा है। और दूसरी बात ये थी कि डिस्प्ले थी तो LCD डिस्प्ले है इसमें और काफ़ी कलर काफ़ी अच्छे हैं डिस्प्ले के नॉर्मल यूज़ के लिए। और सुल्तान, अगर इसके सेल्फी कैमरे के बारे में बात हो रही है तो हम इसके बैक कैमरे को कैसे भूल सकते हैं। इसमें हमें ट्रिपल कैमरा डिज़ाइन देखने को मिलता है और इसमें जो हमारा प्राइमरी लेंस है वो है 13 मेगापिक्सल का, जिससे हम काफ़ी अच्छे शॉट्स ले सकते हैं। और जो बाकी दो लेंस हैं वो हैं 5 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में 3-3 कैमरे होना कोई छोटी बात नहीं है। काफ़ी अच्छा सेटअप भी दे दिया, सिर्फ 3 कैमरे और LED लाइट भी है। LED फ्लैश तो है, वो तो चलो नॉर्मल बात हुई, लेकिन 3 कैमरे दिए और वो भी ऐसे नहीं दिए कि बस अपने नाम के लिए दे दिए भाई। एक रेक्टेंगुलर डिज़ाइन बनाया, बहुत अच्छा करा। और नॉर्मली क्या होता है, फोन कंपनीज क्या करती हैं, एक कैमरा प्राइमरी देते हैं, बाकी 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे दे के गिनती बढ़ा देती हैं, लेकिन 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का अल्ट्रा वाइड है, सिर्फ नाम के लिए नहीं है कि 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड डाल दिया। और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी काम करता है, मतलब यार हम ये भी तो देखें कि बजट फोन की बात कर रहे हैं, क्यों इसे किसी बड़े फोन से कंपेयर करें। और सुल्तान, हम इसके डिज़ाइन और लुक के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम इसके प्रोसेसर को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर मेरे हिसाब से हर फोन की जान होता है। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का हीलियो P22 और एक ख़ास बात ये भी है कि ये एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। तो यानी कि सही बात है, मतलब ये फ़ोन जो हुआ बाहर से भी दमदार और अंदर से भी दमदार भाई, क्योंकि इस रेंज में बहुत अच्छा प्रोसेसर है P22। और बाकी भाई और दम की बात अगर करी जाए तो इसके अंदर रैम है, 3 GB रैम है, 64 GB रोम है और इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं 512 GB तक, 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, वो भी इसके अलग अलग तीन स्लॉट जिसमें 2 स्लॉट हमारे सिम के हैं और एक है SD कार्ड का, तो हम 512 GB तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लगभग हर चीज ही तो यार इसमें मिल रही है, मिल रही है, सही बात। और लो एक चीज और जो सबसे बड़ी है बजट फोन के हिसाब से, बैटरी। बैटरी हाँ, यार बैटरी भी काफी पावरफुल है इसकी, बैटरी पावरफुल पूरे 5000 mAh की है यार, पूरे दिन चलाओ। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, एक फोन के अंदर आपको अच्छी डिस्प्ले मिल रही है, बड़ी बैटरी मिल रही है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, सारे फीचर तो उन्होंने इसमें दे दिए इस प्राइस रेंज में। मतलब बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन हो जाएगा भाई साहब इस सेगमेंट में, बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन लेके आया ऑनर। और अगर हम इसके साउंड के बारे में बात करें तो इसमें हमें 3.5 mm का जैक मिला है और जो इसका USB पोर्ट है वो है माइक्रो, तो मतलब काफी, मतलब थोड़ा आउटडेटेड है, बट आजकल नहीं कहेंगे यार, मतलब इस प्राइस रेंज में यही चलता है, अभी इस सेगमेंट में यही चल रहा है। फिर साउंड ऑडियो आउटपुट के लिए 3.5 mm जैक होता है, कुछ लोग चाहते हैं कि उनके फोन में 3.5 mm जैक हो। तो और स्पीकर है नीचे की तरफ है,
और सही मायने में बताया जाए तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अच्छा और दूसरी बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऑनर जैसे ब्रांड का है, मतलब ऑनर का तो इसका नाम ही काफी ऑनर बड़ा का है, नाम ही काफ़ी है, इसका भरोसा है इसके साथ की मतलब क्वालिटी का वो भरोसा है, कस्टमर सपोर्ट भी इसका काफी बढ़िया है। कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। और हाल ही में इन्होंने अपनी ऐप गैलरी को काफ़ी प्रमोट किया है, क्योंकि इसके अंदर प्ले स्टोर नहीं है, जैसा कि लोगों को पता है प्ले स्टोर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्ले स्टोर नहीं है तो इसमें कोई आप एप्लीकेशन नहीं एप्लीकेशन डाल डाउनलोड नहीं सकते। कर सकते, आपको जो एप्लीकेशन चाहिए वो सारी एप्लीकेशन इसमें डाउनलोड हो सकती और हैं। सुल्तान इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो भी काफ़ी सिंपल है, मतलब इसमें बिगर टेक्स्ट और बिगर आइकन और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी काफ़ी लाउड है। तो और इसके जो दो फीचर हैं जो मैं आपको बताना भूल गया, इसके फिंगरप्रिंट और फेशियल स्कैनर के बारे में, तो फिंगरप्रिंट और फेशियल, भाई फीचर तो यार बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते लिस्ट जा बढ़ती रहे ही जा रही है, क्योंकि एक मेन तो फीचर है आजकल। ये भी एक बड़े फीचर है यार। फिंगरप्रिंट तो देख ही रहे हैं, पीछे के साइड फिंगरप्रिंट है, इजिली रीच, उंगली आसानी से पहुंच जाती है। और दूसरी बात जो बोली वो थी फेस फेशियल, अनलॉक, तो जो इसका कैमरा है बताया कि काफ़ी अच्छा और कैमरा मैंने है। अभी टेस्ट करा था इसको लो लाइट में, तो लो लाइट में भी ये काफी बढ़िया इसने हाँ, काम तो करा। इसका फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छा काम करता है, लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। बस लेकिन एक बात तो है वासिफ यार, जब भी हम कोई ऐसा फ़ोन लेते हैं जो मिरर फिनिश वाला होता है, उसके बाद एक दिक्कत है यार, उसमें उंगलियों के निशान बहुत आते हैं। हाँ ये तो है सुल्तान, अभी ये हम बात दिक्कत ही तो कर रहे है, हैं और इस पे दुनिया भर की उंगलियों के निशान हो गए, लेकिन भाई वही है, कुछ पाने के कुछ लिए कुछ खोना भी पड़ता है, खोना तो पड़ता मतलब है। डिज़ाइन, इसके डिज़ाइन जो है इसको ओवरकम कर देता है इसको। ओ भाई यार, तो डिज़ाइन ले लो या फिर वही प्लास्टिक बॉडी लेते सिंपल बिना चमकने वाली, तो फिर मज़ा कहाँ आता। तो इसके अंदर हमारे पास लुक भी है और हमारे पास पावर भी पावर भी है। है, मतलब आप इसमें गेमिंग वगैरह भी कर सकते गेम हो। वेम खेलो यार, इतनी बड़ी बैटरी दी है और पूरे दिन चलेगी, सुबह चार्ज करो पूरे दिन इस्तेमाल करो, रात को भी 10-20% मिल लिया, और क्या चाहिए। और जो इसका कलर है हमारे पास वो है फैंटम ब्लू। तो और भी कलर हैं इसमें, लेकिन मुझे भाई पर्सनली ब्लू कलर बेस्ट लगता है, स्पेशली ऑनर का। ये लगभग हर फोन ही ब्लू कलर इसका में डिज़ाइन ही कुछ करते इस हैं। तरीके से है कि कलर भी काफ़ी वाइब्रेंट है हाँ, इसका, मतलब ब्लू के साथ साथ इसमें ग्रीन भी देखने को मिल रहा है, मतलब मज़ा आ रहा रेनबो है मुझे तो रेनबो इस, इफेक्ट जैसा मतलब कुछ आप खाली बैठो ना तो इससे खेल भी सकते खेल भी हो, सकते हो, टाइम पास वीडियो अच्छा कर दो टाइम शाम पास भी का। सही हो जाएगा। और तो ये तो हमारा रिव्यू, आप सारे फीचर बता दिए, लगभग सारे फीचर बता दिए, और जो नहीं है वो आप इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे निकल के आपको आएंगे, पता पता नहीं चलेगा क्या यार क्या है इसमें। लेकिन फिर भी इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से ये एक अच्छी डील है। एक अच्छी डील है। आप अगर अगर फ़ोन आपको लेना कोई जा फोन रहे हैं लेना दस है हज़ार के अराउंड कोई भी, तो तो आप आप इसे इसको कंसीडर ज़रूर जरूर करिए, ठीक करें। है। ये एक बहुत अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ है मेरे हिसाब से फ़ोन इसके का। डिज़ाइन ले लो, इसकी बैटरी ले लो, इसके कैमरे ले लो, ये सब में आपको जो जो आपकी नीड होती है सब में आपको बढ़िया चीज़ देता ये है। हर जगह परफेक्ट बैठता है, आपकी हर नीड के हिसाब से परफेक्ट बैठता है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर सारी ऐप्स चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत की कोई बात भी नहीं ऐप है, जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ऐप गैलरी है, उस पर 60,000 से ज़्यादा ऐप्स हैं, और कोई भी आपको ऐप मिल जाएगी। तो और इसको हम और लेकिन भी सुल्तान ज़्यादा इसमें टिकटॉक मिलेगा क्या? टिकटॉक नहीं मिल पाएगा भाई, सॉरी, ये तेरा कहीं सवाल था को या ये टेक्निकल का ही सवाल था, क्योंकि क्या टेक्निकल पता कुछ लोग ये का? सोच के ये फोन ले ले कि क्या पता इसमें नहीं टिकटॉक भी देखो मिले। भाई, जो चाइनीज ऐप इंडिया ने बैन कर दी है, तो उसकी तो इज्जत हर ब्रांड करता है, जो भी सही यहाँ बात बिजनेस है, करता है, तो वो क्यों देगा। तो फिलहाल चलो, अब हम क्या करेंगे वासिफ, इसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं अपना सिम डालता हूँ इसमें, और इसे 1-8 महीने इस्तेमाल करता हूँ, और फिर आपको इसके एक लॉन्ग टर्म रिव्यू दें। देंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड के साथ।